आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट एगलेस मैंगो केक ब्लेंडर में। इसमें ना ही किसी किस्म का हम आइसेंस यूज़ करेंगे और ना ही कलर, और ये ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीके से सिखाऊंगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो केक को। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, उसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेकिंग मोल्ड। यहाँ मैं 9 इंच का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह हम कोई भी घर में से एल्युमिनियम का बर्तन ले सकते हैं केक को बेक करने के लिए। और यहाँ पे मैं बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे मोल्ड को। और इसके ऊपर हल्का सा मैदा छिड़क देंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसे झाड़ देंगे। तो ये हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी हो गया है, इसमें केक चिपकेगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए आम। मैं आपको बहुत सारे फलों के केक सिखा चुकी हूँ, उन सबके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि जितना अच्छा फल आप लेंगे उतना ही अच्छा केक बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप आम जो है वो पीला और मीठा देख कर लीजिएगा, तो उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। और अब चलते हैं मैंगो केक को बनाने की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑयल 1/2 कप, दानेदार चीनी 1/2 कप। ब्लेंडर में आपको चीनी पिसी हुई नहीं लेनी पड़ती, दानेदार चीनी से केक बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद डाल देंगे 1 कप आम। और डाल के ब्लेंड कर लेंगे 30 सेकंड के लिए, यानी आधे मिनट के लिए। अभी ब्लेंड हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए मैदा 1 कप। इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, यानी 1.5 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून यूज़ करा है, इतना ही यूज़ करिएगा क्योंकि बेकिंग सोडा केक को कड़वा करता है। इसके बाद छन्नी से छान के हम डालेंगे 2 हिस्सों में। अब हल्के हाथ से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे, लेकिन बीट नहीं करेंगे। इसके बाद डाल देंगे सूखा दूध 2 टेबल स्पून, यह ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। और बिल्कुल आखिर में डालेंगे हम इसके अंदर सिरका 1 टेबल स्पून। डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। और मोल्ड में डाल देंगे और टैप करके चलते हैं बेक करने की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट ओवन बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए मोटा और बड़ा भगोना। इसमें हम ढक्कन को उल्टा करके रख देंगे। इसमें रख देंगे केक को, कवर कर देंगे स्टील के ढक्कन से, डाल देंगे इसके ऊपर कपड़ा ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले और ढक्कन गर्म रहे। और अब मैं आपको इसकी बेकिंग की टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, यानी दरमियानी आग रखेंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आग हल्की कर देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। और भगोने को हम किसी किस्म का कोई प्रीहीट नहीं करेंगे। और अब मैं आपको इसकी ओवन की टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे ही 25 मिनट के लिए, यह केक जब तक पक नहीं जाता तब तक। तो ये थी ओवन की टाइमिंग। अब देखेंगे केक पक गया है, फिंगर से या स्टिक से चेक कर लीजिएगा इसे।
देखेंगे बिल्कुल चिपका नहीं है, आराम से निकल आया है बिल्कुल मोल्ड से, और बैक साइड से भी देखें कितना अच्छा गोल्डन हुआ है। ये सुपर सॉफ्ट एगलेस मैंगो केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।